हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आलू टिक्की की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये आलू टिक्की बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और जिन्हें कुकिंग नहीं भी आती और वो बनाना चाहें तो वो भी इसे बहुत ईजिली बना सकते हैं। और ये आलू टिक्की बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी लगती हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी होती हैं। आप खुद ही इसकी आवाज़ सुन लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं और साथ ही बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी लगती हैं। चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले लेंगे आधा किलो उबले हुए आलू, और ठंडा होने के बाद इन्हें या तो मैश कर लीजिए या फिर ग्रेट कर लीजिए। इनमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए, मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है, इनमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो अब हम इनमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। सबसे पहले लेंगे हाफ टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर लेंगे हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च की जगह आप 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून लेंगे कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 टीस्पून लेंगे हींग, 4 टेबल स्पून लेंगे चावल का आटा, आप चाहे तो इसकी जगह अरारोट भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक डो की तरह इन्हें तैयार कर लेंगे। देखिए, आलू का मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर हल्का सा हाथों पर ऑयल लगाएंगे और इसे टिक्की की शेप दे देंगे। बाकी की टिक्की भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी टिक्की बनकर रेडी है। चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। पहले ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दीजिएगा और सारी टिक्की एक एक करके ऑयल में डालते जाइएगा। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखिएगा ताकि टिक्की अंदर तक कुक हो जाए और बाहर से क्रिस्पी रहे। जब साइड से ये ब्राउन सी दिखने लग जाए तब इस टिक्की को पलट दीजिएगा। फिर दूसरी साइड से भी इसे फ्राई कर लीजिएगा ताकि दूसरी साइड से भी ये सेट हो जाए। जब दूसरी साइड से भी ये थोड़ा कलर चेंज हो जाए तब इसे दोबारा से पलट दीजिएगा और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे दोबारा से फ्राई कर लीजिएगा ताकि हमारी टिक्की और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें अलट पलट करके फ्राई करते रहिएगा। ये देखिए, हमारी टिक्की अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इनका कलर भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और देखिए ये कितनी क्रिस्पी भी लग रही हैं। बाकी की टिक्की भी हम ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे ताकि हमारी टिक्की अंदर तक भी कुक हो जाए और बाहर से बहुत क्रिस्पी लगे। देखिए, ये टिक्की भी हमारी बिल्कुल तैयार है, अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तब हम इन्हें भी सर्व कर लेते हैं और फिर चाट बना के खाते हैं। ये देखिए, हमारी यम्मी और सुपर क्रिस्पी टिक्की बिल्कुल रेडी है। और ये कितनी क्रिस्पी है, आप खुद इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए, हमारी आलू टिक्की बिल्कुल रेडी है और साथ ही चाट की चटनी भी बिल्कुल रेडी है। देखिए, टिक्की पर दही डालिएगा, फिर हरी चटनी डालिएगा और साथ ही इमली की ये खट्टी मीठी चटनी से इसका स्वाद तो और भी ज़्यादा यम्मी हो जाता है। अगर आपको इमली की चटनी की रेसिपी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये आलू टिक्की चाट बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है और खाने में भी सुपर डिलीशियस लगती है। तो ये आलू टिक्की आप ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया।